दुनिया भर में क्यों कुएं का आकार गोला होता है? कैंसर का मरीज का बाल क्यों झड़ जाते हैं? वो कौन सा कुत्ता है जो नहीं भूखता है? बुर्ज खलीफा में लगी है इंडिया का स्टील, जानिए वजह। भारत की कौन महिला है जो WWE में पहली बार गई है? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो में इन तक बने रहिएगा। नंबर एक, दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कुएं का आकार गोला होता है, ऐसा क्यों? दरअसल गोले कुएं अन्य कुओं की तुलना में कभी मजबूत होते हैं। गोले कुएं में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, जिसके कारण पीने का प्रेशर कुएं में हर तरफ एक समान पड़ता है। वहीं अगर कुआं चौकोर आकार का बनाया जाए तो सिर्फ प्रेशर चारों कोने पर लगेगा, जिस कारण कुआं ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा और साथ ही उसके ढहने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में कुएं को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल के लिए इसे गोला आकार दिया जाता है और इसे गोला बनाया जाता है। नंबर दो, कैंसर के मरीज के बाल क्यों झड़ जाते हैं? कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी दवाइयों का उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करता है और उस दवाइयों को असर शरीर पर भी होता है, जिसमें बाल झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी दवाइयों का उपयोग करने पर झड़ जाते हैं। नंबर थ्री, वो कौन सा कुत्ता है जो कभी भूखता नहीं है? बेसेंट जी एक अफ्रीका बार्कलेस कुत्तों की प्रजाति है। इस नस्ल के कुत्ते भूख नहीं सकते, ये अलग तरीके की आवाज निकालते हैं, जिसे योडल कहा जाता है। नंबर फोर, ये जो रोड आपको दिख रही है, ये आप काफी देखे होंगे आप अपने शहर में तो अपने गलियों में। रोड के किनारे लगी इन लाइट को रोड स्टड कहते हैं। एक रोड स्टड की कीमत 1000 से 1500 तक की होती है। इसमें एक मिनी सोलर पैनल और एक बैटरी लगी होती है, जिससे ये चार्ज होता है। नंबर फाइव, दोस्तों क्या आपको ये पता है कि बुर्ज खलीफा में हमारा इंडिया का स्टील लगा हुआ है? क्या आप ये जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में टाटा स्टील का लीज किया है और यहाँ तक कि टाटा को वोल्टास AC भी यूज किया गया है। नंबर सिक्स, WWE के केन का सच। WWE रेसलर ग्लेन जैकोफ, जिन्हें केन के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने खाली समय में चारों छात्रों को इकोनॉमिक्स की कक्षा देते हैं। नंबर सेवन, अक्षराधाम मंदिर की खास बात। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्षराधाम मंदिर 86,342 वर्ग फुट के परिसर में फैला हुआ है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये मंदिर 356 फुट लंबा और 316 फुट चौड़ा है और 141 फुट ऊंचा है, जिसके कारण इन्हें दुनिया में एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है। और ये पहला हिंदू मंदिर है जिसे गिनीज बुक ने अपने विशाल धार्मिक स्थलों की सूची में मान्यता प्रदान की है। नंबर एट, जापान के कब्र के ऊपर QR कोड बना होता है ताकि मरे हुए व्यक्ति की सारी पहचान का पता किया जा सके। नंबर नाइन, नेपाल के बारे में चार रोचक बातें। पहला, नेपाल कोई स्वतंत्र दिवस नहीं मनाता। नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है अभी तक, इसलिए नेपाल में कभी स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया गया है। दूसरा, सीता माता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है, जहां भारत में राम जन्म स्थल में राम लल्ला केवल एजेंट के नीचे है, तो वहीं जनकपुर नेपाल में सीता जन्म स्थल में विशाल सीता मंदिर भी बना हुआ है। नंबर थ्री, विश्व की देश सबसे ऊंची पर्वत चोटियां में से 8 नेपाल में है। फोर, महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। नंबर एन, WWE में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत के हरियाणा राज्य के जींद जिले का मालवी गाँव में जन्मी कविता देवी WWE में लड़ने वाली पहली भारतीय फीमेल प्रोफेशनल रेसलर है। दोस्तों, होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इससे हमें प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने में। तब तक के लिए सेफ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।